एन भारत पर एक्सक्लूसिवली देखिए सर्व पितृ अमावस्या पर गया से सीधी रिपोर्टिंग हमारे संवाददाता बादल सिंह के साथ, क्योंकि पितृ पक्ष पखवाड़े के अंतिम दिन गया में चारों तरफ से श्रद्धालु उमड़े हैं, अपने उन पितरों को तर्पण अर्पण कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं मालूम। थाईलैंड से सीधी उड़ान गया तक पहुंचती है और आपको बता दें यहां पर विष्णु भगवान के चरणों के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जिसको विष्णुपाद मंदिर कहा जाता है और बताया जाता है कि गया सुर नामक असुर के साथ भगवान विष्णु ने अपने चरण गया की पवित्र भूमि पर रखे थे और इसलिए भक्तों के लिए ये मुक्ति धाम भी है। दोनों तरफ देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु पितरों का तर्पण कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं वहां से बादल। बादल ने इस पूरे पखवाड़े रिपोर्टिंग करी है और आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं बादल। पितरपक्ष का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आज का जो महत्व है वो महल्या का होता है और हम अभी खड़े हैं गया के फल्गु नदी में जहां सैकड़ों के लोग में पिंडदान कर रहे हैं। आज का जो पिंडदान होता है आज स्थानीय शहरवासी करते हैं और अपने पितरों का तर्पण करने के लिए यहां पहुंचते हैं। जैसे कि गया में लगातार बारिश हो रही है, बारिश से फल्गु नदी के दोनों छोर पर पानी भर आया है, काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। बादल कुमार, एन भारत न्यूज, गया। तो गया के बाद सीधे आपको लेकर चल रहे हैं प्रयागराज और प्रयागराज में भी बड़ा महत्व है पितरों के लिए तर्पण करने का, क्योंकि यहां से भी विष्णु लोक मिलता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नकुल जुड़ रहे हैं, बताएंगे कि किस तरीके से भीड़ यहां पर प्रयागराज में इस संगम पर देखी जा रही है। जी नकुल। देखिए मैं बताता चलूं, क्योंकि पितरों को अर्पण करने का ये आखिरी दिन है इसलिए पितरों की विदाई के लिए जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो इस दौरान संगम पर इकट्ठा हुए हैं और अपने पितरों को याद कर रहे हैं। दरअसल आज का दिन उन पितरों को याद करने का दिन होता है जो भूले बिसरे होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में जिनका नाम नहीं जानते, जिनको हमने कभी देखा नहीं, उन सबको याद किया जाता है, जिनको भुला दिया जाता है। तो आज इसीलिए देखा हमने संगम पर काशी खासी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आखिरी दिन है इसलिए भीड़ अब ज्यादा भी दिखाई दे रही है। जी जी धन्यवाद नकुल। यहां पर हम आपको बताने कि प्रयागराज में विष्णु भगवान वेणी माधव के रूप में वास करते हैं और ये भी माना जाता है कि पितरों के लिए ये प्रथम मुक्ति द्वार है। तो एन भारत पर वो खबरें देखिए जो आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि खबरों की भीड़ से हम उन खबरों को निकाल कर लाते हैं जो आपकी आस्था से जुड़ी है। बाकी की खबरों के लिए ट्यून रहिए एन भारत के साथ, क्योंकि एन भारत करता है आपकी बात।